पता है, हम पूरी लाइफ उसे एक मौके का वेट करते हैं। जब माँ बाप खुशी खुशी अपने बच्चे को बोले कि बेटा तुझे जो करना है ना तो वो कर, हम तुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे कि तू जॉब करे, पैसा कमाए, घर बनाए, घर बसाए, कोई स्टार्टअप करे, बिजनेस करे, नहीं, तुझे जो करना है तू वो कर, बस तू जो भी करे ना तू पूरी अपनी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करना। तो आज दुनिया का हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा कुछ ऐसा काम करने की ठान ले जिससे उसके माँ बाप का, उसकी सोसाइटी का, इनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है ना। हर बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में वही करना पड़ता है जो उसके माँ बाप कहते हैं, जिसमें उसकी खुशी नहीं है। यू नो, ये सोसाइटी क्या समझती है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में जॉब के अलावा, यू नो, सरकारी नौकरी के अलावा, बिजनेस, स्टार्टअप, इनके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें से तो सोसाइटी की इमेज खराब हो जाती है। एक बच्चा अपनी पूरी जान लगा देता है कि यार एक बार बस कैसे तैसे 10th पास कर लेता हूं, फिर 11th में आते ही अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करके कंटिन्यू करूंगा। लेकिन नहीं, उसे दिलाया जाता है साइंस, मैथ, कॉमर्स, साला एकदम VIP सब्जेक्ट। अब जब स्टूडेंट का मन ही नहीं उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट से कंटिन्यू करने का, तो वो कहां से पूरे साल उसमें मन लगा पाएगा यार। और यहां से एक बच्चा अपने माँ बाप से दुश्मनी करना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि वो लोग उसके दुश्मन है। और आगे चलकर जब मार्क्स ऑप्टेन नहीं होते ना, तो उल्टा माँ बाप बच्चे को कोसते हैं कि तूने मेहनत नहीं करी, तू जान बूझ कर फेल हो रहा है। अरे यार, बच्चा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ना यार, अब इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है उसमें पढ़ने की। उसने तो शुरुआत में ही बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा उससे। लेकिन नहीं, ये ना सोचकर कि आगे चलकर उसकी हालत क्या होगी, बल्कि सोसाइटी की सबसे पहले चिंता होती है। सबसे पहले सोसाइटी का खौफनाक चेहरा सामने आता है कि वो क्या सोचेगी। अब एक बात बताओ, तुम एक चाय के कप में हद से ज्यादा चाय भरे ही जाओगे तो वो तो बाहर फैल ही जाएगी ना यार। तुम अपने बच्चे से भी इतनी उम्मीद क्यों रखते हो कि बच्चा एंड में आके परेशान होके गिव अप कर दे। और पता है, इसीलिए आज स्टूडेंट सुसाइड का रेशियो सबसे ज्यादा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं कसम से बता रहा हूं, स्टूडेंट सुसाइड का रेशियो कभी नहीं रुकेगा। हर एक नए दिन एक नया सुसाइड होगा।